अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स या त्रिकोणमितीय कोण, इसको दो रूप में बताया जाता है या इसके दो भाग। सबसे पहला भाग ध्यान से रखो, सबसे पहला भाग है वो है स्टिक पद्धति। शास्टिक पद्धति और दूसरे भाग को हम लोग बोलते हैं वृत्तीय पद्धति। शास्टिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति, जिसमें से शास्टिक पद्धति को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सा जेसी जी सी आई सेक्सा डेसिमल सिस्टम, और वृत्तीय पद्धति को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। तो शास्टिक पद्धति को हम लोग बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम और वृत्तीय पद्धति को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि सेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम में किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को हम लोग लिखते हैं या किस तरह से उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सबसे पहला है शास्टिक पद्धति या सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब ये सिस्टम तुम्हारा पहचाना हुआ है, ये तुम इसे जानते भी हो थोड़ा बहुत। इसमें है क्या, शास्टिक पद्धति में होता क्या है, एक राइट एंगल को यानी एक समकोण को, ये मान लो एक समकोण, एक समकोण को 90 छोटे छोटे भागों में विभाजित किया है। किसी भी एक समकोण को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 90 इक्वल पार्ट्स में मतलब एक पार्ट ये, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे करते 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 कितने ऐसे करते करते हम लोग 90 भागों में से डिवाइड करेंगे, यानी वन राइट एंगल या एक समकोण ये किसके बराबर होगा, ये है 90 डिवीजन के बराबर, ये होगा 90 डिवीजन के बराबर। और जिसमें हर एक, ये जो हर एक छोटा छोटा, ये जो हर एक छोटे छोटे भाग जो हो रहे हैं, इस हर एक भाग का मान होता है एक डिग्री करके। ये हर एक छोटे छोटे भाग का मान क्या होता है, एक डिग्री करके। तो ऐसे अगर एक डिग्री करके 90 भाग हुए हैं तो टोटल कितने, एक राइट एंगल में कितने डिग्रीज आएंगे, कितने ऐसे भाग आएंगे, 90 भाग आएंगे, यानी एक राइट एंगल यानी वन समकोण के बराबर होता है 90 डिग्री। वन समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। क्लियर हो, याद रख समझ में। अब देखो ये जो हमने समकोण बनाया जिसको हमने 90 इक्वल भागों में डिवाइड किया, 90 इक्वल भागों में डिवाइड करने के बाद हर एक भाग को, हर एक छोटे से भाग को हमने क्या किया, 1 डिग्री चिन्हित किया। अब ये हर एक छोटा सा भाग, ये एक छोटा सा भाग, सिर्फ इतने से भाग को अगर ध्यान से देखो, और इसको अगर हम बड़ा करके बनाए तो ये तुम्हें दिखेगा कुछ इस तरह से। मान लो ये वो छोटा सा भाग है जिसका मान है 1 डिग्री। ठीक है, अब ये जो 1 डिग्री वाला भाग है यहाँ से यहाँ तक, इसको 60, इसको 60 छोटे 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 भागों में डिवाइड किया गया। कितने, 60। इसको कितने भागों में डिवाइड किया, 60 भागों में डिवाइड किया, यानी 1 डिग्री, एक डिग्री को 60 डिवीजन किया गया, 60 भागों में डिवाइड किया गया। और हर एक छोटे छोटे, हर एक छोटे छोटे जो भाग दिख रहे तुम्हें, हर एक छोटे छोटे भाग को एक मिनट बोला गया, हर एक छोटे छोटे भाग को एक मिनट बोला गया, यानी इसको 1 डिग्री को 60 डिवीजन किया गया है, और हर एक छोटे छोटे भाग को क्या बोला गया, 1 मिनट बोला है। तो ऐसे कितने मिनट आएंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे करते करते 60 तक जाएंगे तो 60 मिनट आएंगे, यानी 1 डिग्री बराबर कितना आ रहा है, 60 मिनट को। ठीक है, क्लियर हो। नेक्स्ट, अब ये छोटा सा ये वाला हिस्सा लो, एक मिनट वाला हिस्सा, ये छोटा वाला, ठीक, इस तरह से हमने यहाँ पे छोटा वाला एक डिग्री वाला हिस्सा लिया था, उसी तरह से छोटा सा एक मिनट वाला हिस्सा लो। अब इसको भी अगर थोड़ा बड़ा करके दिखाएं तो ये तुम्हारा वही छोटा वाला 1 मिनट वाला हिस्सा, ठीक। इसके बाद और यहाँ पे 59 मिनट्स है, हमने सिर्फ एक छोटे से मिनट को बड़ा करके दिखाया। अब ये 1 मिनट वाला हिस्सा जो है, इस 1 मिनट वाले हिस्से को यानी यहाँ से यहाँ तक को भी 60 इक्वल डिवीजन में तोड़ा गया, 60 इक्वल डिवीजन में भागा गया, ठीक। और हर एक छोटे छोटे डिवीजन को बोला गया 1 सेकेंड। तो ऐसे कुल मिलाकर कितने हैं, कितने 1 सेकेंड है यहाँ पे, 61 सेकेंड्स है, ठीक। यानी 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड्स। क्लियर हो, समझ में। तो सिर्फ हमें यही याद रखना कि 1 राइट एंगल यानी 1 समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, एंड 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो ये जो सिंबल है ये एक सिंबल
सिंबल जो है यह मिनट का सिंबल, ये दो डॉट्स हैं यह सेकंड का सिंबल, और ये तो तुम्हें मालूम ही है डिग्री का सिंबल। क्लियर हुआ? तो सिर्फ हमें इतना ही याद रखना है कि वन राइट एंगल 90 डिग्री, वन डिग्री 60 मिनट एंड वन मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। क्लियर? उसका कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ से कि एक समकोण को 90 इक्वल भागों में डिवाइड किया है, हर एक भाग को 1 डिग्री बोला है, तो कुल मिला के कितने डिवीजन होंगे वन समकोण में, ऐसे 90 डिवीजन होंगे, हर एक को एक डिग्री बोला गया तो 90 डिग्रीज है, तो वन समकोण बराबर 90 डिग्री। अब ये हर एक छोटा से जो 1 डिग्री वाला हिस्सा है इसको भी कितने किस में डिवाइड किया गया, 60 भागों में डिवाइड किया गया, और हर एक भाग को बोला गया 1 मिनट, तो कितने डिवीजन होंगे 60 डिवीजन है, तो 60 मिनट होगा, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक उसी प्रकार से 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। क्लियर हुआ? तो ये निकल गया शास्त्रीय पद्धति में किस तरह से डिग्रीज मिनट एंड सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वृत्तीय पद्धति या सर्कुलर सिस्टम। अब इसमें क्या है देखो, खास बात, एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल का सेंटर ओ, ठीक है, यह सर्कल का रेडियस आर। अब वृत्तीय प्रणाली में क्या कह रहे हैं, वृत्तीय प्रणाली नाम से समझ में आ रहा है सर्कल, यानी सर्कल तो होगा ही है। वृत्तीय प्रणाली में क्या कह रहा है, एक वृत्त का अर्धव्यास, यानी कोई भी सर्कल अगर बनाओ जिसका रेडियस अर्धव्यास के समान लंबाई, के समान लंबाई का चाप, रेडियस के समान लंबाई का चाप केंद्र पर जितना कोण बनाता है उसी माप को हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या, ये एक सर्कल बना है जिसका रेडियस है आर, अब इस रेडियस को हमने क्या किया, सीधा खड़ा कर दिया, ठीक, इस तरह से इसको हमने क्या किया, सीधा खड़ा कर दिया, तो ऐसे था, ऐसे किया, ठीक, यानी इसका लेंथ अगर आर है तो इसका लेंथ भी आर ही है। अब हमने क्या किया, ये जो खड़ा था सीधा उसको थोड़ा सा मोड़ दिया और ठीक इस वृत्त के ऊपर इस तरह से सुला दिया। क्लियर हुआ? अब ये जो हमने बनाया, समय क्या बनाया, ये हमने चाप यानी आर्क बनाया, क्या बनाया, आर्क बनाया, और इस आर्क की लंबाई कितनी होगी, जितनी की अर्धव्यास आर्क की थी, क्योंकि इसी को हमने लंबा किया था और इसी को फिर सुला दिया, यानी ये क्या है, इसकी लंबाई भी उतनी है जितनी की इस अर्धव्यास की है, यानी रेडियस की है, यानी ये आर्क लेंथ जो है ये भी 8 सेंटीमीटर का ही है। ठीक, अब ये चाप यानी ये आर्क सेंटर पे जितना डिग्री का कोण बनाएगा, यानी इसका ये वाला सिरा तो रेडियस से मिला ही हुआ है, हम क्या करेंगे यहाँ से भी हम लोग रेडियस बना रहे थे, और इस तरह इस वाले सिरे को हमने जोड़ा। अब देखो ये भी तो आर ही होगा, यहाँ से यहाँ तक आर ही होगा, रेडियस ही होगा। अब ये जो चाप ने इस वृत्त के केंद्र में जो कोण बनाया है, ठीक, वृत्त के केंद्र में जो कोण बनाया है इसी को बोला जाता है 1 रेडियन, इसी को बोला जाता है 1 रेडियन, और इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से, ये सी, सी जो है सिंबल है रेडियन, डिग्री में पूरा, डिग्री में क्या होता है, डिग्री में पूरा सर्कल आता है और रेडियन का सिंबल होता है, हम लोग इस तरह से एक सी बना के दिखाते हैं। तो 1 रेडियन इसकी परिभाषा क्या है ये समझ में, 1 रेडियन है क्या ये समझ में, क्या है 1 रेडियन, 1 रेडियन ये है कि कोई भी एक वृत्त बनाओ, कोई भी एक वृत्त जिसके अर्धव्यास की लंबाई, जिसके रेडियस के लंबाई के बराबर ही अगर कोई आर्क बनाए, वो आर्क सेंटर में जो कोण बनाएगा, वो आर्क जो है सेंटर में जो एंगल बनाएगा उसी एंगल के मान को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। क्लियर हुआ? समझ में? अब ध्यान दो, अगर इस सर्कल का रेडियस आर है तो इसका सर्कमफ्रेंस या परिधि क्या होगा, सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, 2πr, परिधि, सर्कमफ्रेंस या परिधि कितनी होगी, 2πr, तो सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, 2πr। अब ध्यान दो, इस चाप की लंबाई कितनी है, r है, तो ऐसे मुझे और कितने r चाहिए, कितने सारे ऐसे r चाहिए इस पूरे परिधि को ढकने के लिए। मान लो ये लाल रंग का एक फीता है, ठीक है, मान लो उदाहरण के लिए क्या है कि ये एक लाल रंग का फीता है, तो ऐसे तुम्हें और कितने लाल रंग के फीते चाहिए इस पूरे 2πr को ढकने के लिए। अब इसका एक और उदाहरण अगर हम दें, मान लो ये
इसकी परिधि है मान लो 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, मान लेते हैं परिधि है 10 सेंटीमीटर की, ठीक, और ये जो फीता है इसकी लंबाई है मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब ऐसे कितने 2 सेंटीमीटर के फीते चाहिए इस 10 सेंटीमीटर को ढकने के लिए, कैसे निकालोगे, 10 × 10 / 2 करो यानी 5, ऐसे तुम्हें 5 फीते चाहिए। तो सेम उसी प्रकार से उसी एग्जांपल का मदद लेके अगर सर्कमफ्रेंस परिधि इसकी 2πr है तो ऐसे तुम्हें कितने r चाहिए, कितने r चाहिए इसको पूरा ढकने के लिए, क्या होगा, नंबर नंबर ऑफ r, यानी कितने चाप चाहिए, नंबर ऑफ r क्या होगा, 2πr/r यानी 2π, ऐसे तुम्हें 2πr चाहिए, क्लियर हुआ, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, तो जैसे कि एक आर अगर 1 रेडियन बना रहा है तो इसी तरह से दूसरा आर्क, मान लो यहाँ से यहाँ तक दूसरा आर्क है, वो भी 1 रेडियन का कोण ही बनाएगा, यानी कुल मिला के 2r, यानी टोटल लेंथ r का, चाप का टोटल लेंथ क्या होगा, r + r 2r हो जाएगा, उसने कितना रेडियन बनाया, 1 रेडियन + 1 रेडियन ने 2 रेडियन बनाया, तो 3r मिला के 3r आर्क लेंथ होगा, चाप का लेंथ, और रेडियन बनाएंगे 3 रेडियन। तो देखो आर्क की लंबाई के साथ, इसकी लंबाई के साथ कोण का एक सीधा संपर्क है, इस संपर्क के बारे में थोड़ी देर बाद जानते हैं, लेकिन आप ध्यान दो, तो उसी तरह से अगर आर 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 हमें कितने आर लग रहे हैं, 2πr लग रहे हैं इसको पूरा ढकने के लिए, तो 2π, तो 2πr कितना कोण बनाएंगे, 2π कोण बनाएंगे, क्लियर हुआ, तो कितना कोण बनाएंगे, एंगल कितना बनाएंगे, एंगल कितना बनाएंगे, 2π रेडियन बनाएंगे, क्लियर, 2πr कितने आर चाहिए, 2πr चाहिए, तो वो सब मिला के कितना इस पूरे को कवर, इस पूरे परिधि को कवर करने के कितना रेडियन बनाएंगे, 2π रेडियन बनाएंगे, क्लियर हुआ, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, ये जो 2π रेडियन है ये असल में किसके बराबर होगा, ये 2π रेडियन हमें मालूम है यहाँ से यहाँ तक डिग्री में, यहाँ से घूम के दोबारा यहाँ तक आने में डिग्री में कितना होता है, ये एंगल किसके बराबर होगा, डिग्री इसमें कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक। तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं कि 2π रेडियन इक्वल टू 360 डिग्रीज, ये रेडियन में और ये डिग्रीज में, क्लियर हुआ, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, पाई रेडियन इक्वल टू 360/2, यानी पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर हुआ। तो ये है तुम्हारा मेन सूत्र, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये अगर तुम्हें याद रहा तो तुम कभी भी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, क्लियर हुआ। तो इस फॉर्मूला को हम अच्छे से समझ लेंगे, परीक्षा में भी आता है किस तरह से पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री हुआ, क्लियर, समझ में आया। तो अभी जो हमने एक और चीज भी जाना था कि आर्क की लंबाई, चाप की लंबाई के साथ कोण का एक डायरेक्ट रिलेशन था, ठीक है, यानी सीधा संपर्क था, तो इसको भी परीक्षा में कैसे आता है, देखो आर्क, ये जो हमने आर्क लेंथ आर माना था इसको हम सिर्फ उदाहरण के लिए मान लेते हैं एस, यानी एस बराबर आर ई, ठीक है। तो अगर आर्क लेंथ के साथ इस कोण का रेडियन का, इसे हम लोग चिन्हित करते हैं थीटा से, इस कोण का हम लोग चिन्हित करते हैं थीटा से, यानी आर्क लेंथ के साथ अगर एंगल रेडियन में जो है वो अगर थीटा के साथ सिंपल सीधा रिलेशन है, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, डायरेक्ट रिलेशन क्या, थीटा, यानी जितना आर्क लेंथ बढ़ेगा रेडियन भी उतना ही बढ़ेगा, तो एस प्रोपोर्शनल टू थीटा में मिला, यानी आर्क लेंथ चाप की लंबाई और कोण में सीधा संपर्क है, एस का मान जितना बढ़ेगा चाप का मान जितना बढ़ेगा कोण का मान यानी इस कोण का मान भी उतना ही बढ़ेगा। अब इस प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या एक स्थिरांक आएगा आर, उस स्थिरांक हमारे केस में क्या स्थिरांक हम लेंगे, रेडियस आर, क्योंकि आर का मान तो हर जगह सेम ही है, बदलेगा ही नहीं, वो स्थिरांक है हमारा आर, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम याद रखेंगे एस इक्वल टू आर थीटा, या इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करेंगे परीक्षा में बहुत बार आता है कि एस का मान चाप का मान दिया रहता है, कोण का मान दिया रहेगा तुम्हें आर का मान निकालना है, या चाप का मान दिया होगा आर का मान दिया होगा थीटा का मान निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, चाप बराबर अर्धव्यास इंटू कोण, ये कोण जो है थीटा, ये रेडियन में, ये डिग्री में नहीं होगा, हमेशा याद रखना ये जो कोण होगा ये होगा रेडियन में, ठीक, और ये याद रखेंगे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, और इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे रेडियन से डिग्री या डिग्री से रेडियन में कन्वर्शन के लिए, ठीक है।